नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेलवे नगर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रत्नागिरी रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी शहर में मौजूद है। और दोस्तों यह रेलवे स्टेशन अपनी सेवाएं रत्नागिरी शहर को प्रदान करता है। दोस्तों आपको बता दूँ कि यह रेलवे स्टेशन कोंकण रेलवे के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक है, और दोस्तों साथ ही साथ यह इस एरिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन कोंकण रेलवे का पार्ट है, और दोस्तों यह रेलवे स्टेशन रत्नागिरी डिवीज़न के अंतर्गत आता है। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन समुद्र तल से 125 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, और यहाँ का स्टेशन कोड RN है। दोस्तों आपको बता दूं कि चाइनीज़ वायरस से पहले यह रेलवे स्टेशन प्रतिदिन 100 से भी अधिक ट्रेनों को ऑपरेट करता था, और यहाँ से 40,000 से भी अधिक यात्री पास होकर गुजरते थे। लेकिन अभी प्रेजेंट डे में, आज के टाइम में, यह रेलवे स्टेशन मात्र 51 ही ट्रेनों को ऑपरेट करता है, और यहाँ से प्रतिदिन मात्र 10,000 से अधिक यात्री ही पास होकर गुजरते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स की संख्या 3 है। नंबर ऑफ होल्डिंग ट्रेनों की बात करें चाइनीज़ वायरस से पहले तो उनकी संख्या 107 थी, और नंबर ऑफ ओरिजिनेटिंग एवं नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग ट्रेनों की बात करें चाइनीज़ वायरस से पहले तो उनकी संख्या मात्र 4 ही थी। दोस्तों आपको बता दूँ कि यह रेलवे स्टेशन देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के बड़े विभिन्न नगरों एवं देश के बड़े विभिन्न राज्यों से सीधा कनेक्टेड है, और यहाँ से पास होने वाली ट्रेनों में शामिल है वास्को डी गामा, पटना वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, तुतरी एक्सप्रेस, मरुसागर एक्सप्रेस, मंगल एक्सप्रेस, लक्षद्वीप एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन, एर्नाकुलम दुरंतो एक्सप्रेस, हिसार कोयम्बटूर एसी एक्सप्रेस, एमके एक्सप्रेस, सुपरफास्ट पैसेंजर इत्यादि ट्रेनें भी शामिल है। दोस्तों अब बात करते हैं इस स्टेशन की हिस्ट्री के बारे में। तो इस स्टेशन को खोले हुए 80 वर्षों से भी अधिक वर्ष हो गए हैं, और अब यह रेलवे स्टेशन पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाइड है। यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन मौजूद है, जिस पर डीजल एवं इलेक्ट्रिक दोनों ही लोकोमोटिव का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ स्टेशन मॉडर्न फैसिलिटी से भी लैस है। दोस्तों यहाँ पर एस्केलेटर, फ्री वाईफाई, एसी वेटिंग रूम, पार्किंग एवं खाने पीने की अन्य सुविधाएं भी यहाँ पर अच्छी तरीके से उपलब्ध है। और दोस्तों साथ ही साथ स्टेशन पर पार्किंग एवं बैठने का एरिया भी अच्छा खासा दिया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना रत्नागिरी रेलवे स्टेशन के बारे में। अगर आपको मेरी ये जानकारी इस स्टेशन के बारे में अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन सभी को जय हिंद, जय भारत।